दिल्ली के नवनिर्मित श्री संत गायपाल मंडपम में विधि विधान पूर्वक श्री रंगराघव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सर्वप्रथम दाक्षिणात्य विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्राचार संघ 21 कलशाएं में भरे हुए पंचामृत फलाएं का रस और सर्व औषधियों से भगवान का अभिषेक किया गया। उसके बाद श्री रंग राघव का दिव्य श्रृंगार हुआ। तदुपरांत विविध पकवानाएं का भाग लगाकर भव्य आरती उतारी गई। प्राण प्रतिष्ठा बाद रविवार को गाय दहन, उत्थापन, नित्य हवन पूजन, कलश यात्रा आदि कार्यक्रम हुआ। श्री संत गायपाल मंडपम के पीठाधिपति श्री मज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी कुरेशाचार्य ने बताया कि स्वामी संत गायपालाचार्य महाराज अयोध्या के एक महान संत रहे, जिनका सन 2011 में परम पद हुआ। उन्हीं की स्मृति में श्री संत गायपाल मंडपम का निर्माण किया गया। उसी संत गायपाल मंडपम में विधि विधान पूर्वक श्री रंग राघव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जय श्री बन्नारायण। भगवान श्री अयोध्यानाथ जी का यह नवनिर्मित मंदिर है, इसमें पंचदिवसीय भगवान का प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है। आज प्रतिष्ठा प्रातः काल में संपन्न हुई, इसमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और जो मूल रूप है अयोध्यानाथ, अयोध्या के जो इक्ष्वाकु कुल के पूजित श्री रंगनाथ भगवान हैं, तो उनका दर्शन है। उन्हीं की गोद में श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ भगवान रामचंद्र जी उसमें उसी एक ही विक्रम में विराजमान है। और श्री कोसले सदन के श्री विद्या भास्कर वासुदेवाचार्य स्वामी जी के शिष्य श्री कुरेशाचार्य ने ये मंदिर बनवाया है। इस पर दक्षिणात्य पांचरात्रागम विधि से भगवान की यहाँ प्रतिष्ठा हुई है। समस्त आलवार आचार्य जो हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, उनके भी साथ में प्रतिष्ठा हुई है। और भगवान के जो पांचवा रूप है, जो उसको अर्चावतार कहते हैं, जो भक्तों के लिए सुलभ होता है, पांच प्रकार के रूप होते हैं, जो कि पररूप, व्यूह रूप, विभव रूप, अंतर्यामी रूप और अर्चावतार रूप में भगवान विराजते हैं। पररूप जो है श्री वैकुंठ में भगवान जो विराजते हैं उसको कहते हैं, उसको जो है आम हम आप लोग दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि काल यहाँ से देश से परे है, इस देश में नहीं है। और व्यूह रूप और विभव रूप, विभव माने जो भगवान के जो अवतार हुए वो, और व्यूह रूप वो काल विप्रकृष्ट होने से, जैसे उस काल में हम लोग अब नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन रूपों का भी दर्शन नहीं हो सकता है। अंतर्यामी रूप हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, हमको जो बुरा अच्छा जो भी हम करते हैं उसको नियंत्रण करते हैं, लेकिन उस दोष से असंतुष्ट रह के हमारे अंतरात्मा में विराजते हैं। और जो सबसे सुलभ है अर्चावतार, जिनके द्वार पर जा कर के हम उनके दर्शन कर सकते हैं, तमाम भारतवर्ष में और देश विदेशों में सभी जगह भगवान के श्री विग्रह के दर्शन होते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं। भगवान का जो इस विग्रह, इन विग्रहों की सबसे खासियत ये है कि भगवान इसके इस रूप को भगवान जो भक्त अपने भाव से उस रूप का रूप को भगवान का बना करके, और जो नाम अपना ही नाम कोई भी नाम दे करके उसी को भगवान स्वीकार करके, यद्यपि भगवान स्वतंत्र हैं और किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखते हैं, किसी कोई कामना से रहित हैं, तथापि भगवान जो भक्त ने जो नाम दिया, जो स्वरूप दिया, उसी को स्वीकार करके उसी नाम स्वरूप से भक्त के अधीन होकर के सब लोग भगवानों को भगवान सभी भक्तों को दर्शन दे करके उनको कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार ये पंचधावस्थान रूप में जो भगवान का अर्चावतार रूप श्रेष्ठ कहा गया, इन्हीं रूपों को आलवार आचार्यों ने अधिकतर गाया है। और ये प्रतिष्ठा के साथ साथ सप्तदिवसीय भगवान का यहाँ पे भगवत कथा चल रही है, उसका भी आज समापन है। और इसके उपलक्ष्य में, इस प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अभी भगवान राघवेंद्र सरकार का, जानकी जी का और श्री रंगनाथ भगवान लक्ष्मी जी का कल्याण उत्सव यानी विवाह महोत्सव का भी आप सब लोग अभी थोड़ी देर में दर्शन करेंगे। मैं संपत कुमार भट्टर चेन्नई से इस मंदिर के प्रतिनिधि के स्वरूप में आप लोगों से ये निवेदन किया है।
और उत्तरोत्तर भगवान इसी प्रकार सभी भक्तों को अपने कृपा वर्षा से सिंचित करते रहें और हमारे सनातन धर्म की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती रहे। जय श्रीमन्नारायण।